हेलो दोस्तों, दोस्तों आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्फोसिस रिजल्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेरे जो एक दोस्त है मयूरेश्वर जी नाम है उनका, तो उन्होंने इन्फोसिस के असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट की थी दोस्तों 13 सितंबर 2020 को। देखिए दोस्तों उन्होंने कब 13 सितंबर 2020 को इन्फोसिस के असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट की थी। उसके बाद दोस्तों उन्होंने लगभग 4 मंथ तक वेट किया और फिर उनको फाइनली इंटरव्यू के लिए मेल आया। और दोस्तों उनका जो इंटरव्यू कंप्लीट हुआ वो 4 मई 2021 को हो चुका था। और फिर दोस्तों वो वेट कर रहे थे सिलेक्शन के लिए। एंड देन दोस्तों उनको फाइनली 24 मई 2021 को इन्फोसिस की तरफ से सिलेक्शन का मेल आया था। मीन्स लगभग उनको 20 दिनों के बाद सिलेक्शन का मेल आया। उसके बाद दोस्तों वो वेट कर रहे थे एंड उनको 19 अगस्त को इन्फोसिस की तरफ से सर्वे का मेल आ चुका था। मीन्स देखिए दोस्तों, मई जून जुलाई अगस्त उन्होंने लगभग 3 महीने तक वेट किया था और फिर उनको सर्वे मेल आ चुका था। फिर दोस्तों उनको मेल आया डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए और वो जो मेल था उनको अभी 7 अक्टूबर 2021 को आया था। उन्होंने जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए दोस्तों, तो फिर उनको मेल आया डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट का। और देखिए दोस्तों उन्होंने वो मेल उनको रिसीव हुआ 11 अक्टूबर 2021 को और वो अभी भी ऑफ़र लेटर के लिए वेट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कितने दिनों से ये वेट कर रहे हैं। तो फिर अगर आपने भी दोस्तों दिसंबर या फिर जनवरी में इन्फोसिस के असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट किए हैं और आप अभी भी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, ऑफ़र लेटर के लिए वेट कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी भी एग्ज़ाम दिसंबर में हुई है और आपको इन्फोसिस की तरफ से ऑफ़र लेटर आ चुका है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों अगर हम एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तभी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को ओवरकम कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग this video till end।